पवन जी जो हैं इनकी एक ही किडनी है क्योंकि एक चोट की वजह से सर्जरी करके एक इनकी किडनी भी निकाल दी गई थी वह डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पाँच या छः फल तो रहेंगे क्योंकि इनकी एक ही किडनी है और इनको हमेशा कोई ना कोई बात दिक्कत आती रहेगी पेशेंट है हमारे साथ पवन कुमार गुप्ता जी जो कि उड़ीसा से हमारे पास आए थे और आज इनको यहाँ पे आए हुए पवन जी कितने दिन हो गए आपको हमारे पास आए हुए चार दिन तो हो गए चार दिन हो गए मैं आपको बताना चाहूँगी कि पवन जी जो हैं इनकी एक ही किडनी है क्योंकि एक चोट की वजह से सर्जरी करके एक कि इनकी किडनी भी निकाल दी गई थी और इसके अलावा दो सर्जरीज इनकी जो है और हो चुकी हैं और उसके बाद ये हाइपर टेंसिव हैं इंसुलिन लेते थे डायबिटिक हैं और इनको किडनी की प्रॉब्लम के साथ में डायग्नोस किया गया था और जब ये हमारे पास आए हैं तब भी ये इंसुलिन पर थे तो पवन जी आपको जब किडनी की प्रॉब्लम के साथ में डायग्नोज किया गया तो आपको क्या बोला गया मेरे को बोला गया कि किडनी को निकाल दो और किसी का किडनी लगाओ नहीं तो आपका पीसा उ होना बंद हो जाएगा ट्रांसप्लांट करने हाँ। के लिए बोला गया आपको जी तो डायलिसिस नहीं आप कभी ना डायलिसिस नहीं करा डिस नहीं करवाए हैं तो जो आ, अभी के लिए भी बोले थे लेकिन मैं कराया नहीं लड़का बोला चलिए हम समझते हैं फिर तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको यूट्यूब में यूट्यूब में देखा आपने ठीक है आपके साथ आपके बेटे आए हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ पे आके जब आप मुझसे मिले थे और हमने सब डिस्कशन किया तो उसके बाद जो हमने आपकी थेरेपीज सब डिसाइड की थी वो सारी हो रही ही हैं आपकी क्या क्या कर रहे हैं आप पवन जी पानी में बोलते हैं वहाँ एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को गर्म पानी में बैठने के लिए हम्म बैठने के लिए मतलब लेटने के लिए, लिए। हम्म और उसके बाद में फिर वहाँ अंदर जाके वो क्या बोलते हैं उसको हेड डाउन टिल्ट करते आ, हैं हाँ वो उसको भी करते हैं दो घंटा ठीक है तो दोनों थेरेपीज आप अच्छे से कर पा रहे हैं जी और डाइट आपने फॉलो करना शुरू कर दिया है तो जब आप आए तो कब से डाइट शुरू की आपने मैं जिस दिन आया था उसी दिन से डाइट शुरू कर उस उसी दिन से और कितनी इंसुलिन आप ले रहे थे पहले ले रहा था 9 10 करके ओके और अभी आप कितनी इंसुलिन ले रहे हैं अभी तो नहीं लगा अभी आपको लग रहा है इंसुलिन की जरूरत ना शुगर आपकी बिना इंसुलिन के भी मेंटेन हो रही हाँ, है हाँ, तो डे वन से जब से आपने डाइट शुरू की तो आपकी इंसुलिन भी बंद हो गई हाँ, इंसुलिन बंद हो गया उसके बाद में बीपी भी कम हो गई बी पी की भी दवा खा रहे थे पवन जी हाँ, और आज चार ही दिन में इनकी जो बीपी की दवाई है वो भी ये नहीं आज से वो भी बंद हो जाएगी क्योंकि कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे बंद करते हैं यहाँ हिम हिम्स हॉस्पिटल में इसके अलावा और आपको अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट लग रही है मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है और क्या? हम्म कोई सिम्टम्स आपके कुछ और? नहीं, इस समय हल्का सा तो मालिश की है ठीक है तो जैसे हम लोग यहाँ पे हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पहले उसकी हिस्ट्री लेके ये असेस करते हैं की उसका जो किडनी फेलियर है उसका कारण क्या है तो बहुत सारे पेशेंट्स में उसका कारण उनकी जो बहुत देर से किसी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकेशंस चल रही होती हैं वही होती हैं तो इसलिए सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उनकी दवाइयाँ जो हैं वो कम से कम कर दी गई कर दी जाएँ इस इस कोशिश में हम रहते हैं फिर उनको एक डाइट शुरू की जाती है और साथ के साथ ही उनकी फ़िज़िकल कंडीशन और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो थेरेपीज़ हैं उनका शेड्यूल डिसाइड होता है तो मैं बताना आपको पवन जी के माध्यम से ये चाहती हूँ कि अगर आप एक बार इंसुलिन पे चले गए और अगर आपको ये लगता है कि जीवन आप इंसुलिन ही लेना उसका सोल्यूशन है तो ऐसा नहीं है ये पवन जी हमारे सामने बैठे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये कि कैसे एक किडनी के साथ भी हम स्वस्थ रह सकते हैं एक किडनी किसी वजह से इनकी निकालनी पड़ी चोट लग गई थी उसमें तो एक ही किडनी के साथ में ये आज तकरीबन बाईस साल हो गए हैं इनको और लेकिन जब सर्जरी किए थे तो तब डॉक्टर ने आपको क्या बोला था आ, आप कुछ बता रहे थे कि शायद डॉक्टर ने आपके पिताजी के बारे में कुछ बोला था हाँ जी तो तो डॉक्टर ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा ये पांच या छः फाल तो रहेंगे क्योंकि इनकी एक ही किडनी है और इनको हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी पर, पर ऐसा अभी मतलब हम मतलब बीस साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था बट तो बट बार दो बार ऑपरेशन हुआ था एक बार ये स्टोन हो गई थी गड़बड़ा लड़की और उसका ऑपरेशन हुआ था और अभी तक ऐसा कुछ अरे हुआ नहीं था लाइक वो ट्वेंटी या टू ईयर हो चुके हैं और अभी जस्ट इनको आके लाइक थोड़ा सा दिक्कत आया तो डॉक्टर ने बोला ब डायलिसिस अरे स्टार्ट करने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट इनको भीम्स में लेके आ गए और अब यहाँ पे आने के बाद इनका तो मतलब बीपी शुगर इनकी बाद तो बाद जो भी मेडिसिन थी बंद हो गई है और तो, तो बंद करने के बावजूद भी इनका एक्चुअली तो बीपी और शुगर कंट्रोल में है और इनको बहुत सूजन रहती थी आँखों के नीचे पैरों में वो भी इनकी तो कि कि कम हो चुकी है नहीं अभी मतलब हाँ चार दिन के अंदर अभी ऐसा कुछ हमें देखने को पर नहीं मिला है बहुत अच्छी बात है पवन जी और आप एक एग्जांपल हैं सबके लिए जो दूसरे पेशेंट्स हैं आपके ही जैसे उनके लिए भी कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति से अपनी समझदारी से अपने जीवन को जो है बेटर बना सकते हैं और हालांकि डॉक्टर ने इनको ये भी कह दिया था 2002 में ही जब एक किडनी इनकी रिमूव की गई थी कि पाँच छः साल से ज़्यादा ये जी नहीं सकेंगे लेकिन हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सामने हैं और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं तो यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पवन जी और हमें उम्मीद है कि और तीन दिन में जो आप यहाँ रहेंगे उसमें आप और भी चीज़ें सीख के और घर जाके उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और जो थोड़ी बहुत आपकी दिक्कतें बची हैं उनसे भी आपका छुटकारा हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुड़गांव अमृतसर दिल्ली जलंधर जयपुर पटियाला संगरूर कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे आयुर्वेद ही वजह से भारत विश्व गुरु बने हमें आपकी मदद चाहिए हर किडनी पेशेंट लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए धन्यवाद जय हिंद